हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे मेकअप, नववारे पे मेकअप करेंगे। तो मैंने आँखों को पहले अच्छे से क्लीन किया है, वाइप से पोंछ लिया है, फिर उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगा लिया था, फिर फाउंडेशन, फिर पाउडर से उसे सेट किया। और अभी हम ये पिंक कलर का आई शेडो है जो आँखों के ऊपर लगा रहे हैं, ये पिंक कलर का आई शेडो है। और आई मेकअप ऐसे करते हैं कि जो ड्रेस के साथ मैच हो जाए, ऐसे लगना नहीं चाहिए कि हाँ ड्रेस कौन सा पहना है, आई मेकअप कैसा किया है। नहीं, अगर से हम कोई अलग ड्रेस पहन रहे हैं और दूसरे कलर का आई मेकअप कर रहे हैं, लेकिन वो भी उसके साथ मैच होना चाहिए, नहीं तो फिर पहन रहे हैं ड्रेस रेड कलर का और आई मेकअप कर रहे हैं ग्रीन कलर का, तो फिर उसमें कोई मतलब ही नहीं है। और ये पिंक कलर का आई शेडो लगाने के बाद मैं उसमें उसके नीचे थोड़ा सा पर्पल कलर का लगा रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड करना है। ऐसे लगना नहीं चाहिए कि हाँ उठा के बस रख दिए है, हो गया आई मेकअप करके, वो बहुत ही अजीब लगता है। जितना आप ब्लेंड करोगे आई मेकअप को, वो उतना अच्छा दिखेगा। ऐसे लग रहा है क्या कि मैंने उठा के रख दिया? नहीं ना, वो अच्छे से ब्लेंड हो गया है, मिक्स हो गया है, तो वो अच्छा दिखता है। और फिर अभी मैं जो आईबॉल है आपको दिख रहा है थोड़ा सा छोटा हुआ, वहाँ पे अभी मैं गोल्ड कलर का ग्लिटर लगा रही हूँ। ये आपको थोड़ा सा पहले सिल्वर लग रहा होगा, लेकिन बाद में वो मिक्स हो जाएगा तो फिर वो गोल्ड दिखाई देगा। और फिर ये ग्लिटर लगाने के बाद आई शेडो को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है ग्लिटर के साथ। तो ये हो गया है हमारा आई मेकअप। ज़्यादा हीवी आई मेकअप नहीं किया है मैंने, ये लगा रही हूँ मैं आईलाइनर। यहाँ पे मेरे दीदी सो गए हैं, उनको मैंने बोली थी सो जा, तो वो सच में सो गए। ये आईलाइनर, और उन्होंने बोले कि थ्रेडिंग मैं नहीं करूँगी, इसलिए मैंने उनके थ्रेडिंग करके नहीं दी, लेकिन मैंने फाउंडेशन से थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की हूँ। और फिर वाइप से पोंछ लेना है जहाँ जहाँ आपको लगता है कि हाँ ये नहीं चाहिए, और आँखों के नीचे में थोड़ा सा तो गिर ही जाता है ना, तो वो उसको वाइप से पोंछ लेना है और पूरे फेस को अच्छे से वाइप से पोंछ लेना है। और फिर पोंछने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना है, मॉइस्चराइज़र के बाद प्राइमर लगाना है, उसके बाद ही मेकअप शुरू करना है, ऐसा पहले नहीं करना है। अगर से आप मेरा वीडियो देखोगे ये वाला और बोलोगे कि नहीं वाइप से पोंछने के बाद तो सीधा मेकअप शुरू किए है, तो नहीं, मैंने सीधा मेकअप शुरू नहीं की हूँ, मैंने वाइप से पोंछने के बाद मॉइस्चराइज़र और प्राइमर लगा ली थी। और अभी मॉइस्चराइज़र और प्राइमर लगाने के बाद ये कलर करेक्टर कर रही हूँ। ये ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर है जो मैंने यूज़ की हूँ, जहाँ जहाँ पर आपको डार्क स्पॉट है, आँखों के नीचे डार्क सर्कल है, वहाँ पे लगाना है, जहाँ पे दाग धब्बे है आपको छुपाना है कि हाँ ये दिखना नहीं चाहिए, वहाँ पे लगा लेना है। और उसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, जहाँ पे लगाए हो वहाँ ब्लेंड कर लेना है, ऐसे घसना नहीं है, ऐसे टैप टैप करके ऐसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना। ज़्यादा स्लो भी नहीं करना है और ज़्यादा फास्ट भी नहीं करना है, अगर फास्ट करूँगी तो ऐसे लगेगा कि हाँ मार रहा है तो मेरे को मार रही है, इसलिए अच्छे से उसे ब्लेंड कर लेना है। और कलर करेक्टर होने के बाद फिर हम फाउंडेशन लेंगे, स्किन टोन से मैच होने वाला है, जो भी फाउंडेशन मैच हो रहा है स्किन टोन से उसे लगा लेंगे, पूरे फेस पे अच्छे से लगा लेंगे। और मैं उंगली से लगा रही हूँ क्योंकि ब्रश से लगाऊँगी तो ब्रश में ज़्यादा फाउंडेशन आएगा, फिर वो अलग ही दिखता है, उसे अच्छा मैं उंगली से ही लगाती हूँ, और हमेशा ही मैं उंगली से ही फाउंडेशन लगाती हूँ।
मैं ब्रश से नहीं करती, बस काउंटर जब करना रहता है तब मैं ब्रश यूज़ करती हूँ, ऐसे मैं करती नहीं हूँ। और आपको जहाँ जहाँ लगता है कि हाँ ये गलत हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। आजकल मेरे वीडियो पे वैसे कमेंट टर्न ऑफ आ रहे हैं पता नहीं क्यों, तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं, मेरी इंस्टा की आईडी तनु गोर पड़ेगी है। अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, घिसना नहीं, ठीक है, अच्छे से ब्लेंड करना है, फुल मेकअप अच्छे से ब्लेंड कर लेना है जहाँ जहाँ लगाया है। और लास्ट में मैंने वीडियो डाली हूँ इनका, वो देखना ना भूलना। और आपको मेकअप कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना, कमेंट ऑफ रहे तो इंस्टा पे बताना। और क्या क्या मैं चेंजेस कर सकती हूँ वो भी आप बता देना। और अभी मैं कर रही हूँ हाईलाइट। हाईलाइट कहाँ कहाँ करते हैं, नाक के ऊपर, आँखों के नीचे, लिप्स के ऊपर, फेस पे, आपको दिख ही रहा होगा मैं कहाँ कहाँ हाईलाइट कर रही हूँ। और जहाँ हाईलाइट किया है वहीं पे वही वो वाला फाउंडेशन ब्लेंड कर लेना है, इधर उधर ब्लेंड नहीं करना है। और ब्लेंड होने के बाद हम इसे अब पाउडर से सेट कर लेंगे, लूज़ पाउडर से, नहीं तो आप घर के पॉन्ड्स पाउडर से सेट करोगे फिर मैं कोई बोलेंगे तो नहीं, घर का पॉन्ड्स पाउडर मैंने यूज़ नहीं की। और अभी मैं कर रही हूँ काउंटर, और जो नाक के ऊपर मैं काउंटर कर रही हूँ, आईब्रो रहती है उसका जो लास्ट रहता है ना हेयर बाल, उससे बराबर ऐसे सीधे लेके आना है, दोनों साइड से ऐसे सीधे लेके आना है। और जो हेड के ऊपर का काउंटर है उसे ऊपर ही करना है, और नीचे का नीचे, और जो फेस के ऊपर रहता है उसको वही के वही ब्लेंड कर लेना है। और नाकों का ऊपर, नाक के ऊपर का ऐसे ऊपर में लेके ब्लेंड करना है, ऐसे उसे साइड में नहीं लेके जाना है, आँखों के साइड में। और वहाँ पे फिर से एक बार हाईलाइट लगा लेना है, मतलब फाउंडेशन लगाना है जिससे अपने हाईलाइट किए थे वो वाला, और उसे भी फिर ब्लेंड कर लेना है। हाँ, और जब भी मैंने बोली थी कि हाँ लूज पाउडर से सेट करना है, नहीं तो हाईलाइट होने के बाद हमें लूज पाउडर से उसे सेट करना है, पहले ही नहीं करना है। अगर आपके पास लिक्विड वाला होगा कॉन्टर तो आप फिर लूज पाउडर से सेट करने के बाद उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने वो एक ही फाउंडेशन पैलेट से यूज़ करी हूँ तो फिर ये वाले फाउंडेशन पैलेट में ऐसे नहीं है। लिक्विड वाला जो रहता है वो वाला अपन पाउडर से सेट करने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं कॉन्टर। आँखों के नीचे थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा पाउडर लगाना है, क्योंकि जब भी हम काजल लगाएंगे तो वो फैलता नहीं है, वो वही के वही रह जाता है। या हम काजल लगा लेंगे और हेयर स्टाइल करते टाइम और शायद से हाईलाइट करते टाइम, मेरा मेकअप का वीडियो नहीं है तो आप ज़रूर बताना आपको कैसा लगा कैसा नहीं। और मैं अभी ये आईब्रो फिल कर रही हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे फ़ोन हो रहा है क्योंकि वो एक जगह रखा हुआ नहीं था, स्टेबल नहीं था, मेरे मम्मी ने पकड़ा हुआ था वो फ़ोन। और अब ये मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, रेड कलर की लिपस्टिक तो थी नहीं, ये मैरून कलर की थी, बहुत ही अच्छा कलर दिख रहा था वो, लेकिन वीडियो में तो अलग ही कलर आ रहा है।
आपको मेकअप कैसा लगा ज़रूर बताना, आई मेकअप कैसा लगा, पूरा मेकअप कैसा लगा वो बताना, अच्छा लगा नहीं लगा, और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो ज़रूर बताना। और हाँ, फिर से एक बार बता रही हूँ, यूट्यूब के कमेंट टर्न ऑफ रहे तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना, मेरी इंस्टा की आईडी है तनु घोरपड़े। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अभी ये मैं ब्लश और हाईलाइट करूँगी, सबसे पहले थोड़ा सा हल्का सा कॉन्टर कर लूँगी, फिर से पाउडर कॉन्टर, और फिर जो कॉन्टर करूँगी उसके ऊपर ब्लश और अप्लाई करूँगी, और फिर ब्लश के ऊपर हाईलाइट अप्लाई करूँगी। और जो आईब्रोज के नीचे हल्का सा हाईलाइट करते हो वो वाला भी हाईलाइट करते टाइम वीडियो नहीं है, नोज का हाईलाइट करते टाइम भी नहीं है, वो वीडियो लेना ही भूल गए। और अगर आपको फुल लुक देखना है तो वो मेरी आईडी पे नहीं है, मेक ओवर बाय तन्नु वाली आईडी है, वो वाली आईडी पे मैंने फ़ोटो पोस्ट कर दी हूँ। मैं यूट्यूब पे वीडियो डालने के पहले वहाँ पे ही फ़ोटो पोस्ट करती हूँ। और ये फाइनल लुक आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय।